तो नया साल शुरू होते ही T20 सीजन का जबरदस्त आगाज हो चुका है और एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी लीग हमारे सामने आने वाली हैं और उसके बाद ऑब्वियसली T20 क्रिकेट के जो माए बाप हैं वर्ल्ड T20 वो भी जून के महीने में खेला जाना है, यानी कि ढेर सारी T20 क्रिकेट होनी है और उसमें ऑब्वियसली काफी सारे प्लेयर जो है वो IPL आते आते या तो बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं या फिर उनको थकान इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पूरे के पूरे IPL के लिए अवेलेबल नहीं रह पाते और बहुत सारे खिलाड़ी पूरे IPL से नहीं तो आधे IPL से पुल आउट मार देते हैं। ऐसे में वो खिलाड़ी जो कि मिनी ऑक्शन में अपने ऊपर बोली लगवाने में कामयाब नहीं हुए थे, फ्रेंचाइजीज को उनकी याद आती है और इस वीडियो में ऐसे ही 7 खिलाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि मिनी ऑक्शन में भले ही खरीदे ना गए हों बट कम IPL 2024 वो आपको IPL में किसी ना किसी टीम का हिस्सा बनते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो और उसके बाद अगर आप किसी खिलाड़ी को इस लिस्ट में ऐड करना चाहो तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज SA20 चल रहा है, उसके बाद IL20 आने वाला है, उसके बाद IPL है, वर्ल्ड T20 है और T20 के इस जबरदस्त सीजन की सबसे जबरदस्त कवरेज आपको इसी चैनल पर देखने को यूं ही मिलती रहेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नंबर वन प्लेयर जो कि मिनी ऑक्शन में भले ही ना बिके हों लेकिन IPL 2024 में आपको अभी भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं इस इंग्लैंड विकेटकीपर बैट्समैन फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट इस समय SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उससे पहले इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करते हुए T20 फॉर्मेट में इस खिलाड़ी ने जबरदस्त आग लगा करके रखी हुई है। अगर आप इनके स्टैट्स देखो, ऑब्वियसली ये स्टैट्स SA20 से पहले के हैं, तो स्ट्राइक रेट पर आप जरा गौर करो भाई, इस खिलाड़ी को IPL में किसी टीम ने भी नहीं खरीदा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डिसीजन ऑफ IPL 2024 जो कि मिनी ऑक्शन में हमें देखने को मिला है एंड आई एम श्योर काफी सारी टीम्स जो हैं अब अपने इस डिसीजन को रिग्रेट जरूर कर रही होंगी। ऐसे में वो टीम जो कि एक अच्छा टॉप ऑर्डर बैटर चाहती हैं, साथ ही में एक विकेट कीपर की तलाश भी उनको है, समबडी लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर मल्टीपल फ्रेंचाइजेस का आप उसमें डाल सकते हो नाम, फिल सॉल्ट को टारगेट कर सकती हैं अगर उनकी टीम में इंजरी या फिर किसी भी और वजह से कोई भी वैकेंसी आती है। सेकेंड प्लेयर जो कि फिल सॉल्ट की तरह ही एक सलामी बल्लेबाज है और विकेट कीपिंग करके भी दे सकते हैं और IPL 2024 में अभी उनके लिए उम्मीद जरूर बाकी है इस फिन एलन फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब फिल सॉल्ट जो थे वो इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर हैं और फिन एलन जो हैं वो न्यूजीलैंड से आते हैं। कई सालों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बेचारे बेंच पर बैठे रहे और इस साल जब वो रिलीज हुए थोड़ी सी उनको उम्मीद जागी होगी कि चलो आखिरकार IPL में खेलने को मिलेगा, तो बेचारे इस सीजन वो अनसोल्ड चले गए। बट जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत दी पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड के लिए, एक बार फिर से सबको याद दिलाया कि भाई थोड़ा सा मैं इधर उधर चला जाता हूं तो मेरा नाम ना भूलो, प्रतिभा इस खिलाड़ी में, टैलेंट इस खिलाड़ी में बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है। ऐसे में कोई भी टीम अगर एक ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाज चाहती है तो फिन एलन को वो 2024 में अभी भी ले सकती है अगर उनकी टीम में कोई जगह खाली हो जाए। और अगर आपको एक टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर की जगह एक मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैटर की जरूरत है तो उसका ऑप्शन भी आपके पास बचा हुआ है और वही हमारी लिस्ट के तीसरे खिलाड़ी हैं एंड दैट इज जॉर्ज इंग्लिश फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब हमने इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज की बात की, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर के बल्लेबाज की बात की, तो ऑस्ट्रेलिया के भी इस विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ही वॉज वन ऑफ द प्लेयर जिसको समझा जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल और स्पिन को भी ठीक ठाक खेलने की काबिलियत उस खिलाड़ी में थी कि अच्छी बोली इनके ऊपर लग सकती है। वर्ल्ड कप के बाद भारत के खिलाफ एक जबरदस्त शतक भी इन्होंने मारा था और वर्ल्ड कप में भी कुछ अच्छी पारियां इन्होंने खेली थी, तो भारत में खेलने का एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक जुटा लिया था अलग अलग मैदानों में अलग अलग चैलेंजिंग कंडीशंस में जाकर के। बट सरप्राइज सरप्राइज इनको भी किसी ने मिनी ऑक्शन में नहीं खरीदा, तो अब अगर किसी टीम में मिडिल ऑर्डर बैटर की वैकेंसी आती है, उनको विकेट कीपर की भी जरूरत होती है, समबडी लाइक दिल्ली कैपिटल्स, तो वो जॉर्ज इंग्लिश की तरफ यहां पर देख सकते हैं और अभी भी IPL 2024 में इंग्लिश साहब हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड फोर्थ अनसोल्ड प्लेयर ऑन द लिस्ट जो कि IPL 2024 में अभी भी खेलने का मौका पा सकते हैं इज अनदर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मैथ्यू शॉल्ट। अब मैथ्यू शॉल्ट जो थे उनको IPL के मिनी ऑक्शन में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा और पिछले साल तक वो पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा जरूर थे बट इस साल ना उनको रिटेन किया गया ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोली लगी। अभी फिलहाल वो बिग बैश में खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 सेटअप है उसका परमानेंट हिस्सा भी बन चुके हैं, गेंदबाजी का ऑप्शन भी वो आपको देते हैं, टॉप ऑर्डर के लिए थोड़े से ज्यादा सूटेबल है बट नंबर 3 पर भी आप उनसे काम चलवा सकते हो, टैलेंट इस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ऐसे में अगर आपको किसी विदेशी बल्लेबाज की जरूरत पड़ती है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं IPL में, ऐसे में मैथ्यू शॉल्ट एक बार फिर से IPL में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड नंबर
नंबर फिफ्थ प्लेयर फ्रॉम द अनसोल्ड लिस्ट जो कि आईपीएल 2024 में एंट्री मार सकते हैं इस जॉश हेजलवुड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब बल्लेबाजों के बाद थोड़ा सा हम गेंदबाजों की तरफ चल रहे हैं और जॉश हेजलवुड जो कि पर्सनल रीजंस की वजह से आधे आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं थे और इसी वजह से आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया और किसी भी टीम ने उनको नहीं खरीदा, वरना ऐसा हो नहीं सकता था कि जॉश हेजलवुड मिनी ऑक्शन में आए और आपको कोई टीम उनके ऊपर बोली लगाती हुई ना दिखाई दे। बट जॉश हेजलवुड आधे आईपीएल के लिए अवेलेबल जरूर रहेंगे और अगर किसी टीम में इंजरी वगैरह का कंसर्न होता है, जो कि मेरे हिसाब से होने वाला है, बहुत सारे फास्ट बॉलर इंजरी प्रोन है, चाहे आप मिचेल स्टार्क की बात कर लो, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके बैकअप के तौर पर जॉश हेजलवुड एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बॉलर्स हैं, मुंबई इंडियंस में ढेर सारे बॉलर हैं, गुजरात टाइटंस को जरूरत पड़ सकती है, इवन पंजाब किंग्स को आप उस लिस्ट में डाल दो, इवन दिल्ली कैपिटल्स, मतलब इंजरी तो किसी भी टीम के फास्ट बॉलर को हो सकती है और एक ना एक विदेशी फास्ट बॉलर हर टीम के पास है। ऐसे में जॉश हेजलवुड मुझे तो जरूर लगता है कि आईपीएल 2024 में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। द सिक्स्थ प्लेयर फ्रॉम द अनसोल्ड लिस्ट जो कि आईपीएल 2024 में बतौर ऑलराउंडर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं इज माइकल ब्रेसवेल फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब माइकल ब्रेसवेल पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में बतौर रिप्लेसमेंट आए थे और बहुत ज्यादा तो उनको पूरे सीजन में खेलने का मौका नहीं मिला, बट हम सब जानते हैं कि ये जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी होते हैं ये एंड टाइम पे दे पुट देयर हैंड अप और अलग अलग कंडीशंस में जाकर के ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो एक अच्छा ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि लोअर ऑर्डर में आपके लिए अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है, थोड़ा बहुत मिचेल सैंटनर या जडेजा जिस तरह का रोल निभाते हैं उस तरीके का काम करने की काबिलियत माइकल ब्रेसवेल के अंदर भी है और हमने इनका नाम केकेआर वाली वीडियो में लिया था कि अगर मुजीब नहीं आते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन माइकल ब्रेसवेल हो सकते हैं, तो मुजीब तो अब आ रहे हैं बट अगर कहीं पर भी आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है खास करके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की, तो माइकल ब्रेसवेल आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेवंथ प्लेयर फ्रॉम द अनसोल्ड लिस्ट जो कि आईपीएल 2024 में खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं इस आदिल राशिद फ्रॉम इंग्लैंड। अब आदिल राशिद को मुझे ऐसा लगता था कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम अपने पाले में कर सकती थी, उनके ऊपर तो किसी ने बोली भी नहीं लगाई, तो मोस्ट लाइकली आपको बेस प्राइस पे मिल जाते एक अच्छा क्वालिटी लेग स्पिनर, बट किसी ने भी आदिल राशिद की तरफ नहीं देखा और हमने इनकी भी बात की थी कोलकाता नाइट राइडर्स वाली वीडियो में, तो पॉइंट उसका यह है कि अगर आपको एक अच्छे रिस्ट स्पिनर की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो हैदराबाद में हसरंगा को कुछ हो जाता है या फिर किसी भी टीम को एक अच्छे रिस्ट स्पिनर की जरूरत पड़ती है, तो आदिल राशिद का ऑप्शन आपके पास हर टाइम अवेलेबल रहेगा और आप आराम से उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हो अगर कोई ओवरसीज खिलाड़ी की वैकेंसी आपकी टीम में निकले। तो ये थे सात खिलाड़ियों की मेरी लिस्ट जो कि मेरे हिसाब से अभी भी आईपीएल 2024 में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आप इस लिस्ट से अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो या फिर इस लिस्ट को थोड़ा सा और लंबा बनाना चाहते हो, मे बी समबडी लाइक रेसिवन डोसन, समबडी लाइक ओली स्टोन और जिमी नीशम, कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी अभी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सब कुछ कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी सटीक रिप्लेसमेंट रहेगा आपकी फेवरेट टीम में अगर किसी खिलाड़ी को इंजरी वगैरह हो जाए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज इस T20 सीजन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपके लिए आती रहेंगी, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।